और इस वक्त हम सबसे पहले कॉल करने वाले हैं। ये कॉल हमें अलिजबा ने नंबर दिया। अलिजबा का फ्रेंड है जिसका नाम है आसिफ मलिक। मलिक साहब है, आसिफ मलिक इनके फ्रेंड का नाम है। और इनके बारे में बताया कि ये बेसिकली एक स्ट्रगलर टिकटॉकर हैं। ये टिकटॉक पे काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, फॉलोअर्स इनके कम हैं, लेकिन असल इनका जो वो है ना जिंदगी का मिशन, वो ड्रामा इंडस्ट्री में आना है। अच्छा। जिसमें वो होता है ना एक बंदा जो कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखता है कि ड्रामे में ये होता है, ये कैमरामैन आजकल DOP ये है, उस ड्रामे का पता है, उस ड्रामे में सेट यहाँ पे लगा था, इंडस्ट्री की हर इतनी बारीक बात कह रही है कि इसको पता है, ये हर चीज को जानता है, हर बंदे को जानता है, मतलब आमने सामने नहीं जानता लेकिन उसके बारे में वो नहीं होता, आप किसी से इन्फॉर्मेशन रखते हैं हर चीज की। तो ये उस तरह का बंदा है, एक्टिंग का इसको बहुत शौक है लेकिन अब तक चांस नहीं मिला। तो कह रही कि आप इसको इस तरह से कोई कटाकट बनाए, तो इसका कटाकट मैं बनाता हूँ और इनको एक्टिंग का चांस देते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आसिफ बात कर रहे हैं, आसिफ मलिक? जी जी बोल रहा हूँ। जी आसिफ साहब, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन से, कैसे हैं आप? अब्दुल्ला साहब कैसे हैं सर, ठीक है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आपका नंबर मुझे मिला था और किसी रेफरेंस के थ्रू ही मेरे पास ये नंबर पहुँचा है। आपको गालिबन एक्टिंग का शौक है और आप एक्टिंग के लिए करना चाह रहे हैं, अपने स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ज़रा अपने बारे में थोड़ा बताएं। एक्टिंग का शौक है बस। आप टिकटॉक पे भी हैं, मुझे पता चला है आप टिकटॉक पे हैं और इंस्टा पे भी हो, आप मुझे बताओ आप किस तरह की वीडियोस बनाते हो? मैं जो जिस तरह का मूड होता है वैसी वीडियोस बनाता हूँ, बस यही एंटरटेनिंग चीजें बनाता हूँ ज्यादातर। अच्छा अच्छा, और फेवरेट एक्टर आपका कौन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में? असल में हम ऑडिशन कॉल से पहले ना हम बंदे से बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली इतनी दूर आओगे, आइए चुंदीगढ़ आपको बुलाएंगे हम, तो हम चाहते हैं कि पहले फोन पे अंदाजा हो जाए बंदे को ऑडिशन के लिए जिसको कॉल कर रहे हैं वो किस मिजाज का है, क्या है वो। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री से? सर फेवरेट बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपका कौन है भाई? अदनान सिद्दीकी है, हुमायूं सईद है, फैसल कुरैशी है। अच्छा अच्छा, और फेवरेट ड्रामे कौन कौन से हैं जो आपको लगते हैं कि अंदाजा होगा ना आपको, मुझे ड्रामों के बारे में नॉलेज है आपको? छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी किए मैंने ड्रामों में। अच्छा, किए हैं आपने छोटे मोटे करेक्टर्स? अच्छा, लेकिन हीरो आना चाहता हूँ, आपको पता हीरो जो है, हीरो बनना चाहता है आदमी। हीरो की तो ऑब्वियसली हीरो हर बंदा बनना चाहता है, लेकिन नसीब नसीब की बात होती है, अब हो सकता है कि ये। अच्छा, मैं आपका छोटा सा एक टेस्ट ले लूंगा। वैसे ड्रामे कौन कौन से देखे हैं आपने रिसेंटली, अभी हाल में कौन कौन से ड्रामे देखे, या कोई आपके फेवरेट 2-3 ड्रामे बताएं? एक ड्रामा तो अभी रिसेंटली बड़ा चला था हुमायूं सईद का, मेरे पास तुम हो। चलो उसी से 2-4 सवाल पूछ लेता हूँ, तो अगर आप उसके जवाब दे दें, इन्फॉर्मेशन आपको है। अच्छा ये बताएं कि ये जो ड्रामे में आयजा खान और हुमायूं सईद जिस फ्लैट में रहते हैं, वो 2 कमरे का अपार्टमेंट जो उनके अब्बा छोड़ के जाते हैं, जो हुमायूं सईद के नाम होता है, मुझे ये बताएं कि वो कौन से अपार्टमेंट है? यार कि ये तो फंसा दिया आपने यार, वो कौन से अपार्टमेंट, वो फिर लग रहा है इधर ही थे कहीं, नागन की तरफ ही थे कहीं, वो एक गरीब करेक्टर तो दिखा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो वो उधर ही कहीं के थे, नागन की तरफ के थे, नागन के अपार्टमेंट, नागमान नागन। अच्छा, यानी कि वहां सब गरीब रहते हैं, आप ये कह रहे हो? तो भाई ड्रामे में कैरेक्टर ऐसा दिखाया था ना उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आपसे कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछ लूं, दूसरा सवाल पूछूं? हाँ, दूसरा सवाल ये है कि आपने ड्रामा गौर से देखा था ना, आपको याद तो होगा, उसमें एक सीन था जिसमें वो हुमायूं सईद उस अदनान सिद्दीकी के ऑफिस में घुसता है, वो मीटिंग चल रही होती है और वो एक घुमा के थप्पड़ देता है उसको अदनान सिद्दीकी के मुंह पे। अदनान सिद्दीकी के उल्टे हाथ पे ना एक लाल टाई में बंदा बैठा था, उसका नाम क्या था? भाई क्या हो गया, तो उसका नाम मुझे क्यों पता हो गया यार, ये तो सवाल है, ये तो यही तो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं हम। अब भाई वो तो एक्स्ट्रा थे, वो उनके नाम क्या पता होगा किसी को भाई, जब कोई, मैं खुद एक्स्ट्रा आदमी हूँ यार भाई, देखो मैं खुद एक्स्ट्रा, जब किसी बंदे को किसी चीज में दिलचस्पी होती ना किसी फील्ड में, तो फिर वो एक्स्ट्रा भी उसके लिए माने रखता है कि यार ये कौन था ड्रामे में, ये कौन था, ये सब भी पता होना चाहिए। खैर मुझे लगता है इसका जवाब, तीसरा सवाल पूछ लूं, एक आखिरी सवाल।
उसमें अदनान सिद्दीकी था, उसमें हुमायूं सईद था, उसमें आयजा खान थी, बस ड्रामा इन तीनों के गिर्द घूम रहा था। अब मुझे ये थोड़ी पता है वो अगला कौन बैठा था यार। चलो कोई बात नहीं है, तीसरा सवाल पूछ लेता हूँ। बात कर चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता, कोई होता है इंसान को नहीं पता होता। अच्छा उसमें एक कैरेक्टर था मतीन साहब, जो वो हीरा मानी का बाप था, है ना, मतीन साहब थे। मतीन साहब और हुमायूं सईद जिस होटल में चाय पीते थे, है ना, वो उधार पे पी रहे होते थे या कैश पे था उनका निजाम, ये सवाल है। अब भाई देखो, हुमायूं सईद पी सकता था उधार पे, मतीन साहब के पास गाड़ी थी वो नहीं पीते थे, वो कैश पे पीते थे। यार आप कमाल स्वीट आदमी हो यार आसिफ। सर ड्रामे को ऑब्जर्व किया ना? हाँ ऑब्जर्व तो किया, मेरी मेरी मुझे भी तो ऑब्जर्व कर लो, मैं भाई मुझे भी ऑब्जर्व कर लो, मैं जैन बात कर रहा हूँ। और ये अलिशबा ने मुझे आपका नंबर दिया था, उसने बताया था आपको कि आपके बारे में कि आप जो वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हो ड्रामों में और आप ऑडिशन के लिए इधर उधर जा रहे हो। मैं प्रोडक्शन से कॉल नहीं कर रहा, मैं जैन बात कर रहा हूँ बोल से, कटाकट शो से, आपका कटाकट बनवा रही थी अलिशबा, अलिशबा कटाकट बनवा रही थी। वाह 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 क्या, लेकिन आप समझ गए ना मेरे ड्रामों पे कितना खास वो है। अल्लाह आपको चांस देगा, हम लोग अभी इंशाल्लाह ड्रामे स्टार्ट करेंगे ना बोल पे, तो आपको बुलाएंगे जरूर। अच्छा बोल पे ड्रामे चलना है? हाँ हाँ अभी चलने वाले हैं, चलने वाले हैं, ये भी तो ड्रामा चल रहा है। चले अच्छी बात, चले ओके, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। यार जो स्वीट आदमी था, इसने कोई गुस्सा ही नहीं किया, ये तो मासूम सा हर बात पे। अच्छा मुझे क्या पता, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लग रहा है इसको कहीं ना कहीं इसको ये था कि मेरा चांस बन जाए, हंसी मजाक कनेक्शन हो जाए, कनेक्शन हो जाए।